तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाले दो टेस्ट मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। इन दोनों टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया गया है, वहीं विराट कोहली पहले टेस्ट मैच में आराम करेंगे और दूसरे टेस्ट मैच में टीम को ज्वाइन करेंगे। बता दें आपको 25 नवंबर से भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दो टेस्ट मुकाबले के लिए जो है कानपुर जाना है। पहला टेस्ट मैच कानपुर में होगा, वहीं दूसरा टेस्ट मैच जो है मुंबई में होगा। मुंबई टेस्ट में विराट कोहली ही टीम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में अजिंक्य रहाणे टीम की अगुवाई करेंगे। और बता दें आपको राहुल द्रविड़ टीम के कोच रहेंगे और राहुल द्रविड़ 17 नवंबर से होने वाले तीन T20 मुकाबलों से ही जो है अपने सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं, जो हेड कोच के पद में शामिल रहेंगे। हेड कोच का पद उनके सर पर है और अपने सफ़र की शुरुआत 17 नवंबर से होने वाले तीन T20 मुकाबले से ही करेंगे। बता दें आपको दो टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम को तीन T20 मुकाबले खेलने हैं और ये तीनों भी T20 मुकाबले की जो टीम की कमान है इसमें रोहित शर्मा के हाथों में ही होगी इंडियन टीम की कमान। जो दो टेस्ट मैच के लिए 16 मेंबर का जो स्क्वाड चुना गया है वो कुछ इस प्रकार है। अजिंक्य रहाणे कप्तान, चेतेश्वर पुजारा उप कप्तान, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा विकेटकीपर बल्लेबाज, केएस भरत विकेटकीपर बल्लेबाज, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, प्रसिद्ध कृष्ण, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और उमेश यादव। ये 16 मेंबर का स्क्वाड है और दूसरे टेस्ट मैच से विराट कोहली टीम को ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि कुल अगर देखा जाए तो 17 मेंबर का स्क्वाड है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में 16 मेंबर का ही स्क्वाड रहने वाला है। इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल हुआ था इंग्लैंड में, इसके न्यूजीलैंड के खिलाफ उस स्क्वाड में भी प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। इस टीम में अगर देखा जाए तो युवा चेहरे काफ़ी ज़्यादा है, वहीं सीनियर प्लेयर्स भी कुछ इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं रहेंगे पहले टेस्ट मैच में। दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली, हालांकि मुंबई टेस्ट में विराट कोहली टीम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन विराट कोहली दोनों टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और पसंद आए तो कुछ कमेंट आपके हो तो सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।